उत्तराखंड बनने का उद्देश्य यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जीवन स्तर को उठाकर विकास करना था, लेकिन भूली से सटे बांस मुंडी गांव की आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए ईंट भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। एक ओर सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नियोजन देने की घोषणा करती है, वहीं दूसरी ओर संगीता जैसी होनहार खिलाड़ी एक नौकरी के लिए 3 साल से तरस रही है। सीएमओ के निर्देश पर खेल विभाग ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान। खिलाड़ी कल्याण कोष से 3 दिन के अंदर 1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। धनबाद में फुटबॉल का एक डे बोर्डिंग सेंटर खोल उसमें कोच बनाया जाएगा। सीओ बीडीओ सरकार की ओर से पहुंचे थे संगीता सोरेन के पास। बीसीसीएल ने भी आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी देने की पेशकश की, संगीता ने ठुकराया। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संगीता को मदद की पेशकश की है। संगीता कहती है कि पिछले साल जिला प्रशासन ने मदद के नाम पर 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसे पैसे की नहीं बल्कि एक नौकरी की जरूरत है जिससे वह अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। भूली के समीप बांस मुंडी गाँव में रहने वाली संगीता कुमारी की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लॉकडाउन की वजह से भाई को काम नहीं मिल पा रहा है। संगीता अपनी माँ के साथ ईंट भट्टे पर काम करने को मजबूर है। संगीता भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम का सदस्य रह चुकी हैं। इसके बाद उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। वही संगीता 2018 में भारत की ओर से भूटान में अंडर 18 और थाईलैंड में अंडर 19 खेल चुकी हैं। भूटान में बतौर स्ट्राइकर फॉरवर्ड एक गोल भी दागा। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में वह झारखंड की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लॉकडाउन में भाई को नहीं मिल रहा दिहाड़ी मजदूरी का काम। संगीता ने बताया कि घर का खर्च भाई की दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, लेकिन लॉकडाउन में भाई को नियमित काम नहीं मिल रहा है। बगल के ईंट भट्टे में माँ काम करती है। भाई के घर बैठ जाने की वजह से उसने भी ईंट भट्टे में काम करना शुरू किया। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।